मैंने आपका दिल दुखाया था। नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, कसूर हम सबका है। वो कैसे? तुम्हें सबके साथ जोड़ने के चक्कर में मैं भूल गया कि हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस भी होती है, जो उसका एक बुनियादी हक है। नहीं भाजन, लेकिन आपकी इंटेंशन तो गलत नहीं थी ना? लोग आपको आपकी नीयत से नहीं, आपके अमल से जज करते हैं, और इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। सिस्टम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन हम खुद उसे मुश्किल बना लेते हैं। भाई अगर कोई अकेला रहना चाहता है तो उसको रहने दो, और अगर सबको साथ मिलकर रहना है तो हर एक को सांस लेने की खुली आजादी होनी चाहिए। हाँ भोजन, लेकिन आपने तो हमेशा सबको खुलकर जीने का हक दिया है। बाज मामलात में मैंने गलत फैसले नहीं किए। नाज को ब्यूटी पार्लर में जॉब नहीं करने दी, और अपनी बेटी को तो नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए भेज दिया। शायद ही आपने गलत किया ना? किया ना। और रूमी और हाशिर को तो प्राइवेसी दे दी, लेकिन जब तुम्हारा और तारा का मामला आया तो मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। बहुजन, अगर आप कहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, नहीं, अगर तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है तो जरूर जाओ, और अगर तुम्हें इस घर के शोर शराबे से घबराहट होती है, वहशत होती है, तो तब भी ये तुम्हारा हक है कि तुम जिंदगी अपने मुताबिक जियो। आई स्वेयर बहुजन, मैं सिर्फ अपने करियर के लिए जाना चाहता हूँ। वरना इतने दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि मैं आप सबके बिना तो कुछ भी नहीं हूं। जरूर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। दिल पर एक बोझ था, आज उतर गया। थैंक यू भोजन। भोजन, और वो तारा? हाँ, उस पर अपना फैसला मुसल्लत ना करो। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी गुलाम या रियाया नहीं है। अगर तुम उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो अपनी ख्वाहिशात का बोझ उस पर मत डालो। तो फिर मैं क्या करूं? कोई दरमियान की राह निकालो जिसमें दोनों की रजामंदी शामिल हो। Win-win.